बाबा की होती जय जयकार, चलो मन दर्शन को। पूर्णमासी को मेला लागत भारी, पूर्णमासी को मेला लागे भारी। दिन है सुबह दिन है मंगल पार, चलो मन दर्शन को। बाबा की होती जय जयकार, चलो मन दर्शन को। बड़े बाबा की होती जय जयकार, चलो मन दर्शन को। कर से पाप कभी नहीं कीना, कभी नहीं कीना। साधु संतन को दुख ना दीना, सोना दासी ने कहा कर से पाप कभी न कीना और साधु संत को दुख मत दीना। भक्तो एक बार सोनादासी के दिल में भक्ति जाग पड़ी और मन में विचार किया कि बड़े बाबा साहिब के दरबार कोटवाधाम जाकर के दर्शन करना चाहिए और गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो आज बड़े बाबा जगजीवन साहिब के दर्शन के लिए वो सोनादासी संतन के संग चली भई पालक की भई सवार। मने अपने में सोचती सोनादासी नार, सोनादासी अपने साथ में साधुओं को लेकर के और पालकी में सवार होकर के बड़े बाबा के दर्शन के लिए कोटवा धाम में आ जाती है। बड़े बाबा जगजीवन साहब अपने भक्तों के सहित आसन पर विराजमान थे तो सोनादासी ने क्या देखा, यहां तो भारी मेला लगा हुआ है, भारी भीड़ लगी है, ये हमें भक्ति भाव क्या देंगे, क्या ज्ञान देंगे ये हमको। और ये सोच करके उसने पालकी वापस ले जाने के लिए कहा और जैसे ही उसकी पालकी चली है बड़े बाबा जगजीवन साहब देख रहे हैं और सारी लीला मन ही मन में समझ गए। जगजीवन समझ गए कि सोनादासी आई है, जगजीवन समझ गए कि सोनादासी आई है। मैं नहीं बोले अंतर के पट नाई खोले, जाके मन की समझ गए कि सोनादासी आई है।
बन समझ गए कि सोना दासी आई है। जैसे ही सोना दासी चली है और वैसे ही बड़े बाबा जगजीवन साहब ने कहा, संत देवी दास बड़े ए सोना सुन, संत देवी दास बड़े सोना वहां चली जाना। सोना सुनो, भक्ति भाव वहां देखोगी, ज्ञान ध्यान वहां समझोगी, संत साहब के पास खड़े सोना चाह चली जाना। बड़े बाबा ने कहा, अगर भक्ति भाव ज्ञान वैराग चाहती हो तो देवीदास के पास में चली जाओ। बाबा साहेब के शब्द सुन करके और वो दासी देवीदास के स्थान की तरफ प्रस्थान कर देती है और धीरे धीरे वह सोना दासी देवीदास के स्थान पर पहुंच जाती है। लेकिन पालकी से नहीं उतरी, न तो जगजीवन बाबा के सामने उतरी और न देवीदास के सामने, और बस देख रही है बैठी बैठी। क्या देख रही है? कि देवीदास महाराज अपना घर बनवाने में लगे हुए हैं, कारीगर मिस्त्रियों से बातचीत कर रहे हैं और पटवारी से बातचीत कर रहे हैं, अग्विनाश पुराण की तैयारी भी कर रहे हैं, सतनामी माला भी फेर रहे हैं। एक काम होए तो समझ आ जाए, आठ आठ काम तो देवीदास महाराज कर रहे हैं एक बार में, सारे काम एक बार में हो रहे हैं। मन में विचार किया, यहाँ तो बहुत ही मेला बखेड़ा है, ये बाबा हमका का ज्ञान देगा, इस बाबा से हमें क्या भक्ति मिलेगी? अरे ये तो अपने एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। और वो सोना दासी वहां से भी वापस चलने के लिए जैसे पालकी वगी घूमी, तो देवीदास महाराज ने देखा, तो देवीदास महाराज ने जो घर में कार्य कर रहे थे मिस्त्री लेबर सबसे कहा, तो तुम सब अपने अपने घर जाओ, पटवारी से भी कहा कि तुम अपने घर जाओ, और अग्विनाश पुराण को प्रणाम करके उन्होंने रख दिया और एक गीत गाने लगे। मनमाला पैर सकी रे या में अष्ट ज्ञान की गुरिया रे, गुदरी टोपी तिलक छाप माला मुंदरा चुरिया रे, सत मन तिलकन सिर पर सो है कौन सिंगार बहुरिया रे, नख सिक जम भसम तन सो है लेन अगिन तन चरिया रे,
रथ व्रत में अल्प आहारो और मुख दूर अटरिया रे कठिन रसन बैरागी भाग तन झालर जनक करिया रे स्वांग नहीं भावे नीर पिया मौज लहरिया रे पिछड़े हो तो तन मन चारो जैसे सती सिंगरिया रे भजन जब देवीदास महाराज ने गाया और ये आवाज बाकी कान में गई उसी समय वो पालकी से उतर के आई और देवीदास महाराज के सामने प्रणाम करके कहने लगी मुझे माफ कर दो आप तो संतों में सिरमौर हैं संतन में सिरमौर हो बाबा जी तुम स्वामी अज्ञान भरो भंडार रे अज्ञान भरो भंडार रे सत्य पंथ के काम शरण हम आए तुम्हारी और दया करो महाराज सुनो एक बिने हमारी है मेरे बाबा जी हाय हाय बाबा जी लगनिया तुम से लगाए लगी है आज दोनों हाथ जोड़ करके वो सोना दासी जब देवीदास के सामने खड़ी हुई कहने लगी मुझे माफ कर दो और आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं आप हमें मंत्र उपदेश दीजिए। देवीदास ने कहा नहीं हम आपको मंत्र उपदेश नहीं दे सकते अरे हम तो गृहस्थी वाले हैं और गृहस्थी वाले कहीं बाबा बड़े बाबा बन सकते हैं नहीं देवी तुम और कोई महात्मा ढूंढो बड़ा विद्वान ब्रह्मचारी और ये देवी सुन और क्या कहा देवीदास ने देवीदास ने वचन सुनाए हम सुनो सोना दासी देवीदास ने वचन सुनाए हैं हम गृहस्थी में रमे रमाए घर की माया में समाए गृहस्थी में रमे रमाए आज जब कहा कि हम तो गृहस्थी वाले हैं हम क्या उपदेश देंगे आपको सोना कहने लगी नहीं मुझे माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हम समझ नहीं पाए। देवीदास ने कहा शायद तुम पालकी में बैठी हो ना तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा होगा देखो हमारे घर में क्या हो रहा है हम घर बनवा रहे हैं सारे कार्य कर रहे हैं जाओ जाओ और कोई बाबा देखो नहीं नहीं मुझे माफ कर दो सोना दासी पीछे पड़ गई। जब बार बार माफी मांगने लगी कहने लगी मुझे लज्जित ना करो तो देवीदास ने कहा ठीक है अगर दीक्षा लेना चाहती हो उपदेश लेना चाहती हो
तो तुम्हारे साथ में आए हुए जो संत हैं इनको वापस कर दो, तुमको यहां रहना होगा। उसी समय सोनादासी ने साथ में आए हुए साधुओं को वापस कर दिया और देवीदास के यहां पर वो निवास करने लगी। 6 महीना तक उसने भक्ति भाव से पूजा की। जब 6 महीना बीत गए, देवीदास से दीक्षा लिए हुए, तो 6 महीना के बाद में क्या हुआ, सोनादासी ने कहा, गुरुदेव अब हमारे लिए आदेश क्या है। जब उस सोनादासी ने शिक्षा प्राप्त कर ली तो देवीदास ने कहा, सुनो हमारी क्या आज्ञा है। और सोना से क्या कहा देवीदास ने, कहा सुन, करे भजन गंगा पे जाके पार जाने के लिए, जपले माला सत की द्वार जाने के लिए, शरण में आ गई, वो दर भटकते ही भटकते गुरु शरण में आ गई। और कहा, ले ली तूने मेरी शरण भक्ति पानी के लिए, कर भजन गंगा पे जाके पार जाने के लिए, आज देवीदास महाराज ने कहा सोना से कि तुम गंगा पर चली जाओ। और देवीदास महाराज ने थोड़ी भभूत लेकर के उसको दी और कहा, इस भभूत को ले जाकर के बीच गंगा में जाकर के डालना। ओ सोना दासी ने वो भभूत लेकर के और गंगा तट पर पहुंच जाती है। और जब गंगा तट पर पहुंची है, देवीदास के वचन सुने और गंगा की सूरत लगाती है धीरे धीरे, सो नादासी गंगा पर ही आ जाती है।
जब गंगा पर सोना दासी पहुंच गई, तबूत लेकर के और गंगा भी जम जाली है। कृपा पड़े बाबा की जमीन निकल के आई है। वो भभूत जो हती वो ले जा करके जब बीच गंगा में डाली तो बीच गंगा में टापू सा जमीन निकल आई और उसी टापू पर वो बैठ गई आसन को लगा करके और वो सतनाम की भक्ति में लग जाती है। जब भक्ति में लगी है और धीरे 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 उस सोना दासी का नाम भक्तों फैलने लगा। उसके नाम को सुन करके बड़ी दूर दूर से भक्त उसके दर्शन के लिए आने लगे हैं। कुछ नाव में बैठ करके जाते हैं, कुछ तैर करके जाते हैं और उसकी भक्ति छा गई। अब सोनादासी क्या मन में विचार करती है, कृपा संत की भाई है और दासी बनी में अपने भाव से। कृपा संत की भाई है, दासी बनी में अपने भाव से। संत द्वार पे जाके रे रामा, मन को भ्रम दूर हुआ संत द्वार पे जाके और ज्ञान बैराग्य दोनों ही अब जागे। मन भक्ति अरे पाके माया भागिर गई है, दासी बनी में अपने भाव से। कृपा संत की भई है, दासी बनी में अपने भाव से। जग जीवन जग में ही संत कहाए, ओ बड़े बाबा जग जीवन जग में संत कहाए। देवीदास शिष्य है उनके मेरे मन में समाए, धर्म नंदन कही है दासी बनी में अपने भाव। इधर उसका नाम विख्यात होने लगा। कहा है सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ो न कोए, जग जीवन दास सायब कहे गुरु करे सो होए। कहा जाता है और क्या कहा बाबा बड़े साहब ने, गुरु ज्ञान जब प्रकट होई, गुरु ज्ञान जब प्रकट होई, कृपा
बिना गुरु की जाने न कोई। कृपा गुरु की न जाने कोई। एक बार की बात, सोना दासी का नाम सुन करके एक नाचने गाने वाली तवायफ सोना दासी के दर्शन के लिए आई और एक प्यारा सा वो भजन सोना दासी को सुनाने लगी। सिर पे बांधी धरी गठरिया पाप की बांधी धरी। सोना दासी से बोली है बैस्या तवायब कि मुझे दीक्षा दे दो, मुझे अपनी शिष्य बना लो, मैंने बहुत पाप किए हैं। सिर पे बांधी धरी गठरिया पाप की बांधी धरी। पाप किए मैंने बहु तेरे, कैसे पाप कटे अब मेरे। पूजा नहीं करी गठरिया पाप की बांधी धरी। धर्मानंद पाप बहु तेरे, पाप हरेंगे गुरुवर मेरे। ओ माया पीछे परी गठरिया पाप की बांधी धरी। पे बांधी धरी गठरिया पाप की बांधी धरी। और वह नाचने गाने वाली तवायफ सोना दासी से अपना वृतांत बताती है। सोना दासी ने जैसे ही बके जे शब्द सुने, उस भजन पर सोना दासी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के उस वैश्या तवायफ को सोना दासी ने प्रसाद स्वरूप एक शब्द दिया। बड़े समझने की बात है भक्तों, कहते हैं गुरु क्या देता है, गुरु शब्द ही तो देता है, इस शब्द से कल्याण होता है। जब सोना दासी ने उस तवायफ को एक शब्द प्रदान किया और कहा जिस तरह हम बताएं उसी तरह से इस शब्द को
सुर ताल और लह में गाना गाइएगा। और जिस तरह सोना दासी ने समझाया उसी तरह से उस शब्द को उसी लह में उस तवायफ ने भक्तों गा करके सुनाया। सोना दासी बड़ा प्रसन्न हुई और सोना दासी से दीक्षा लेकर के वो अपने भक्ति में लग जाती है। तो धीरे धीरे उस तवायफ वैश्या के गाने काफी प्रसिद्ध हुए। जब तवायफ के गाना कोने कोने में फैल गए, एक बार राजा ने उसी तवायफ को बुलाया अपने दरबार में वो प्रसिद्ध गाना सुनने के लिए और कहा आज हमारे दरबार में ये नाच गाना होगा। तो उस वैश्या ने क्या राग में गाया, राग में कृष्णा रागिनी मेरा राधा, राग में कृष्णा रागिनी मेरा राधा, कटी जाए सोने सोने प्यादा, रागिनी में राधा, कट जाए सुन सुनी के प्यारा, राग में कृष्णा रागिनी में राधा, कट जाए सुन सुनी के सब प्यारा, मन में ईश्वर मन में ईश्वर नैनों में राम समाए, जल में ईश्वर थल में ईश्वर, नव में श्याम समाए, में कृष्णा ताल में राधा, सुन सुन के कट जाए प्यारा, ओ राग में कृष्णा रागिनी में राधा, कट जाए सोने सोने के सब प्यारा, जिस समय उस तवायफ ने राजा के दरबार में जब ये राग गाया है उसी समय राजा ने कहा उस तवायफ से, ये गाना तुमने कहां से सीखा। तवायफ कहने लगी इस गाना राग को मेरे गुरु की कृपा है, मैंने अपने गुरु से सीखा है। कौन है तुम्हारा गुरु? राजा ने कहा कौन है तुम्हारा गुरु, जल्दी से उस गुरु का नाम बताएं। कहा उस तवायफ ने मेरी गुरु का नाम सोना दासी है, जो बीच गंगा में
टापू पर बैठ करके भजन करती हैं, निवास करती हैं। तो राजा ने कहा, ए मंत्री, सोना दासी को पता लगा कर और मेरे दरबार बुलाना है, उसी के मुख से गाना सुनिए, उसी को ही ना। राजा ने कहा, सुन मंत्री, उसी के मुख से गाना सुनिए और उसी को नचाना है, उसी के मुख से गाना सुनिए, उसी को नचाना है। कहा, बुलाओ उसको, अपनी गुरु को, ए मंत्री, पता लगा करके उस सोना दासी को हमारे दरबार में बुलाया जाए। तो बैसिया ने कहा, कही सुनो महाराज। का बोली है वो बैसिया? बैसिया बोली, मेरी गुरु और गंगा के टापू पे रहती है, और राम भजन और श्याम भजन बुत रात दिन ही करती है। राजा भजन, ओ राजा, और राम भजन और श्याम भजन वो तो रात दिन ही करती है। हाँ, जब कही बैस्या ने, मेरी गुरु टापू पर रहती है गंगा के बीचा बीच में, ए मंत्री, इसी वक्त जाओ उस सोना दासी को बुला कर खिलाओ। आज सिपाही गढ़ मंत्री के साथ में जाते हैं और जाकर के सोना दासी से कहा, हमारे महाराज ने बुलाया है। और सुनाओ, अपने सिंहासन भी लेती आना, क्योंकि तवायफ ने हमें बताया है कि तुम भी गाना गाती हो तो सिर्फ अपने भगवान के सामने और किसी के सामने नहीं, तो भगवान को ले चलो और वो भगवान को सिंहासन में बिठा करके सामने रख देना दरबार में, तब तो गाओगी। राजा की आज्ञा को सुना। सोना दासी मन में विचार करने लगी, जाना होगा मुझे। और सोना दासी ने उसी समय क्या किया है भक्तों? हरि को सिंहासन लेके चाली भाई सोना दासी, बुलायो मोकू आज दर पे, मन अपने मेरे सिहाई जी, सोना दासी भगवान को सिंहासन में बिठा करके चली, चलती चली जा रही है वो। और जब राजा के महल से 3 कोस जब दूरी पे आ गई, तो क्या किया सोना दासी ने?
पीने को सदूरी रह गई रे, पीने को सदूरी रह गई भाव लगी देवी रुक गई रे मैदान की जो मूरत जाने ले लाई हाथन में और कह रही है कुछ कान में आज राजा का महल तीन कोस दूरी पर जब रह गया उस सोना दासी ने क्या किया, अपनी पालकी को रुकवा लिया और भगवान के कानों में कुछ कहने लगी। बाहरी लीला भगवान की, विचित्र लीला है उस भगवान की। लेकिन हुआ क्या, इधर जब वो सोना दासी के कदम आगे नहीं बढ़े तो मंत्रीगण इधर राजा के पास में आ रहे हैं। महाराज वो तीन कोस दूरी पर ही खड़ी है, आ नहीं रही है, लेकिन ऐसी लीला बड़े बाबा साहेब की, क्या हुआ इधर राजा का महल जब हिलने लगा डुलने लगा, महल को हिलता हुआ जब राजा ने देखा तो घबरा गया, ये हमारे महलों को क्या हो गया, अरे ये भूकंप आ गया क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ऐसा ना हो हमारे राज्य के मकानों का हाल बेहाल हो गया हो जिस तरह से हमारा हाल है। चिंता उसे अपने राज्य की होने लगी। जब महल हिलने लगा रानी ने ये दृश्य देखा, अरे इता समझ गई रे प्यारी रानी, समझ गई वो रानी, अरे देवी ने रची रे कहानी, पर रानी समझ गई ये तो देवी की कृपा लग रही है मोहे, ये देवी ने कर दिया सब कुछ। अरे रा जैसे बोली बानी 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 रे रानी, आज इधर रानी समझ गई कि ये देवी का प्रकोप है और अपने प्राण प्रिय से कहने लगी, महाराज ये भूकंप नहीं है, महाराज ये भूकंप नहीं है, ये हमें देवी की वजह से ऐसा लगता है। और क्या पूछने लगी है अपने पिया राजा से, किसी दुखिया को सताया तो नहीं तुमने, किसी भक्त को सताया तो नहीं तुमने। राजा कहने लगा हां रानी, और राजा ने क्या कहा,
राजा बोला है रानी सुने, मैंने भक्त को नहीं सताया, भक्त नहीं भक्त निको रानी और दरबार में अभी बुलाया है, तीन को सदूरी पे ठहरी राजा ने वचन सुनाया है। रानी हमने अपने दरबार में एक भगवान की भक्त को बुलाया है, वो तीन कोस दूरी पर रुकी हुई है। रानी ने कही सुनो प्रीतम, कोई ऐसा अनर्थ कर पाएगा, महलन की तो औकात नहीं, भूमंडल भी हिल जाएगा। रानी ने कहा प्राणनाथ, अरे हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, किसी भक्त को सताने में ये महल तो क्या भूमंडल सारा हिल जाएगा। सैया जलती बाप है जइयो, माफी चरण पकड़ मांगो, चरण पकड़ मांगो, माफी चरण पकड़ मांगो, सैया जलती बापे जइयो। कहा रानी ने अपने पिया से, जाओ जल्दी जाओ, जाकर के उस देवी भक्त से माफी मांग लो। रानी के शब्द सुनकर के हाथ जोड़ी विनती करूं, और देवी सुनी मेरे बहन, राजा रानी के शब्द सुनकर के भागा। तीन कोस दूरी पर सोना दासी की पालकी है, और जाकर के सोना दासी से माफी मांगने लगा। हाथ जोड़ी विनती करूं, देवी सुनी मेरे बहन, ओ माप हमें दिल से करो, तभी पड़े मोरे चैन। आज राजा ने कहा देवी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जब राजा ने कहा मुझसे गलती हो गई, सोना दासी कहने लगी राजा किस लिए होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि राजा के राज्य में किसी को दुख न दिया जाए, किसी को सताया नहीं जाए, भगवान के भक्तों पर उनका अनादर नहीं किया जाए। राजा ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे, माफ कर दो। सोना दासी ने कहा ठीक है, मैं माफ कर देती हूं, लेकिन तुझे क्या करना होगा, मुझे सुरक्षित अच्छी तरह से मेरा आदर सत्कार करना होगा, मेरा नहीं संसार में सभी भक्तों का, संसार में सभी दुखियों का। ये वचन दे, राजा से कहा मुझे वचन दे, और क्या कहा, कर से पाप कभी नहीं कीना, राजा से सोना दासी ने कहा कर से पाप कभी नहीं कीना,
साधु संतन को दुख ना दीना। सोना दासी ने कहा कर से पाप कभी न कीना और साधु संत को दुख मत दीना। भक्तो आज इस तरह से सोनादासी उपदेश दे करके भजन करती हुई अपने स्थान पर भक्तों पहुंच जाती है। बड़े बाबा की होती जय जयकार चलो मन दर्शन को। सभी भक्त बोले बड़े बाबा के नाम का गुणान बात करें। बड़े बाबा की होती जय जयकार चलो मन दर्शन को।